ट्रू इंग्लिश क्लासेस एंड जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जानकारी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से ये नोटिस आया है, सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है और ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया भाई जो ESP कोटा जो था, स्पोर्ट्स कोटा था, और उसमें जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो नोटिस है कई बार भेजा गया है इन डिपार्टमेंट्स के पास, ताकि ये रिपोर्ट भेजें, ताकि ये भेजें, इसके बारे में कंप्लीट डाटा दें, पूरी जानकारी इसके बारे में दे। लेकिन अभी तक ये इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी इन्होंने, तो बार बार ये नोटिस भेजा जा रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अभी यही बात की गई है, ऑल द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉरपोरेशंस आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू सेंड देयर रिवाइज स्टेटस रिपोर्ट ऑफ सच कैंडिडेट ऑफ ESP कोटा हुज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कि उनकी पूरी जानकारी देनी भी, और ये जो जानकारी देनी है वो 25 तारीख तक देनी है, 25 मार्च तक देनी है, क्योंकि पूरी जानकारी जब तक नहीं दी जाती है तो आगे की कार्रवाई डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जा सकती है। और बार बार इनके पास ये नोटिस भेजा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। तो अब जो इन्होंने ये नोटिस भेजा है, इसमें जो कहा गया है वो 25 मार्च तक जानकारी पॉजिटिवली भेजने के लिए कहा गया है। तो ये एक नोटिस आया है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, जो कि आप सभी तक पहुंचाना जरूरी था। तो इस वीडियो में यही एक जानकारी थी जो पहुंचानी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।